हरे कृष्णा। पाव भाजी एक लोकप्रिय स्नैक रेसिपी है, खासतौर पर महाराष्ट्र में इसे खूब चाव से खाया जाता है। पाव भाजी एक ऐसा डिश है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ पर मैं आपको स्पाइसी, आसान, बिना लहसुन प्याज के पाव भाजी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। पाव भाजी को आप लंच, ब्रंच या फिर डिनर में कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस को देखते हैं। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी पत्ता गोभी, 1 कटोरी फूल गोभी, 5 से 6 टुकड़ा चुकंदर का, 3 से 4 उबले हुए आलू, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 1 नींबू, 3 से 4 हरी मिर्च। सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से धोकर इस प्रकार से काट लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 कटोरी पानी को बॉईल कर लेंगे और उसमें पत्ता गोभी और फूल गोभी को 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इससे सब्जियां हल्की मुलायम हो जाएंगी। अब हल्के उबले हुए सब्जियों को छान लेंगे और बचे हुए पानी या वेजिटेबल स्टॉक को रख लेंगे, जिसे आगे यूज करेंगे। अब हम भाजी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे और साथ में 1 छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल भी डालेंगे, जिससे बटर के जलने का स्मेल नहीं आएगा। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से चटकने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालकर 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें 1 कटोरी मटर डालेंगे, जिसे हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर बॉयल मटर नहीं लिया है, क्योंकि इस प्रकार से फ्राई करने से मटर में रोस्टेड फ्लेवर आएगा। मटर को 1 सेकंड तक चलाने के बाद 1 चुटकी नमक डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ गाजर और कटी हुई शिमला मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट के बाद सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पर और फ्राई कर लेंगे। इससे सब्जियों में क्रंचनेस बना रहेगा। अब इसमें स्टीम किया हुआ गोभी और पत्ता गोभी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 छोटा चम्मच हल्दी, 2 स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम उबले हुए आलू को मसलकर इसमें डाल देंगे। अब उबले हुए आलू को सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें चुकंदर डालेंगे। यहाँ पर मैं चुकंदर कलर के अल्टरनेटिव के रूप में ऐड कर रही हूँ, जिससे भाजी हेल्दी भी बनेगा और साथ के साथ बिल्कुल ढाबा जैसा कलर भी आ जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 कटोरी वेजिटेबल स्टॉक यानी उबले हुए सब्जियों का जो पानी हमने रखा था वो डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। पाव भाजी मसाला डालने के लिए सब्जियों के बीच में इस प्रकार से जगह बनाने के बाद 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। मक्खन के मेल्ट होने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सबको यहाँ पर 1 सेकेंड तक भूनने के बाद अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद भाजी बहुत ठीक हो गई है, तो इसमें 2 कटोरी वेजिटेबल स्टॉक और मिलाएंगे। अब सब्जियों को एक सार करने के लिए इस प्रकार से अच्छे से मसल लेंगे। भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। इसका कलर और स्वाद बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। अब इसे हम धनिया पत्ती से सजा लेंगे, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। अब पाव के लिए गर्म तवा पर 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। मक्खन अच्छे से पिघलने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। थोड़ा चलाने के बाद इसमें 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालकर थोड़ा सा और चला लेंगे और इसके बाद इसमें पाव डालकर अच्छे से सेक लेंगे। अब पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।